नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं एमपी रोजगार पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश से निकलने वाली बहुत सी भर्ती जैसे कि एमबीपीसीएस है, एमबीपीबी है और तमाम तरह की भर्ती में इस रजिस्ट्रेशन का नंबर जो है मांगा है। एमपी के साथ साथ अदर स्टेट वाले भी इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, बीच में बिल्कुल बंद नहीं करना है। साथ ही साथ जो ट्रेड फेयर लगते हैं उसका भी पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं आपको इसका जो लिंक है रोजगार पंजीयन का वो कहाँ मिलेगा। एक तो आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको rozgarresult.com पे मिलेगा। आपको rozgarresult.com खोलना है, बिल्कुल नीचे आना है, यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट का लिंक है इसके अंदर मिल जाएगा। मैं आपको एक वेबसाइट और बता देता हूँ, फिर हम सीधा चलेंगे फॉर्म भरने पर। दोस्तों मैं जिस दूसरी वेबसाइट का नाम ले रहा हूँ उसका नाम है sarkarirezult.com। यहाँ दोस्तों बहुत ही भरोसेमंद, बहुत ही पुरानी वेबसाइट sarkarirezult.com। आपको सीधा नीचे आना है, बॉटम पे इंपॉर्टेंट में देख सकते हैं एमपी रोजगार पंजीयन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको नीचे साइड आना है, देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें मांगी है। इसमें लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर आपके पास पहले से रजिस्ट्रेशन है, आपको रिन्यू करना है, तो आप रिन्यू भी कर सकते हैं। तो चलिए हम सीधा क्लिक करते हैं अप्लाई ऑनलाइन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। जैसे क्लिक करेंगे देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है नाम मांग रहा है, आपको यहाँ पे अपना नाम दे देना है और सेकंड नेम अगर आपका कुछ है तो वो दे देना और लास्ट नेम देना है। यहाँ पे आपको पिता का नाम डाल देना है, आपको यहाँ पे अपना जेंडर डाल देना है, यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट डाल देनी है। तो जहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो देख सकते हैं मैंने इसमें यहाँ रीवा डाल दिया है, तहसील मैंने त्योथर डाल दी है, सिटी में फिर हम जो है यहाँ पे अदर कर देंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है, साथ ही साथ आपका आधार कार्ड का नंबर चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं जो आपको यूज़र उपयोग करता है, आप इसमें दो ऑप्शन है, या तो आप ईमेल आईडी के थ्रू भी कर सकते हैं या तो आप आधार कार्ड के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। तो जो आपको अच्छा लगे उस पर आप कर सकते हैं, मैं इस पर ईमेल आईडी कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं वाया ईमेल मैंने कर दिया है। आपको कोई जानकारी उसको एसएमएस के थ्रू भी चाहिए तो आप यहाँ पे भी टिक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे हमने नेक्स्ट कहा तो हमारा यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है बन चुका है। अब ये कह रहा है काइंडली योर लॉगिन एंड पासवर्ड हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब हम नेक्स्ट करते हैं और आगे चलते हैं। दोस्तों जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप देख सकते हैं हम डैशबोर्ड में इंटर हो जाएंगे और साथ आप देख सकते हैं अभी हमारी जो प्रोफाइल है यानी केवल 5% ही जो है कंप्लीट है, अभी हमको सारी चीज़ें जो है भरनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ करेंगे ऐड पर्सनल डिटेल्स पे, ऐड पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करते हैं। दोस्तों जैसे हम क्लिक करेंगे सबसे पहले यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो उसको आपको डाल देना है। ये देखिए मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। आपको डोमिसाइल पूछ रहा है कि आप एमपी के निवासी है कि नहीं, तो यहाँ पे आपको जो आपका एड्रेस हो वो आपको डाल देना है। यहाँ पे आपको दोनों एड्रेस हमने सेम कर दिया क्योंकि हम अदर स्टेट के हैं। अपना पिन कोड डाल दिया, आपका ब्लड ग्रुप अगर आपको पता हो तो डाल दीजिए, नहीं पता छोड़ दीजिए, मैरिड अनमैरिड, आपकी कैटेगरी जो अदर स्टेट हूँ तो जनरली मैं आऊँगा, धर्म आपका, आपकी कास्ट कौन सी है और आपके नेशनलिटी क्या है, ठीक है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आप जॉब है क्या है, जो भी है आपका वो दे दीजिए। आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, तो अभी हम अनएम्प्लॉयड है यानी बेरोजगार, तो हमने बेरोजगार भी क्लिक कर दिया। यहाँ विकलांगता का ऑप्शन है। नेक्स्ट आपका एरिया है, आप गांव से बिलोंग करते हैं कि शहर से, ग्रीन कार्ड होल्डर अगर आप है तो आपको यहाँ पर टिक करना है, तो नहीं है तो छोड़ दीजिए, सबमिट करके आगे चलते हैं। दोस्तों जैसे हमने सबमिट किया देख सकते हैं हमारा ये ऑप्शन जो है कंप्लीट हो चुका है और प्रोफाइल हमारी 35% हो चुकी है। अब हम बात करते हैं एजुकेशन पे, चलते हैं सीधा एजुकेशन टैब पे। दोस्तों एजुकेशन टैब पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे देखिए ऐड क्वालिफिकेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, देखिए प्लस का चिन्ह है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप बिल्कुल ही स्टैंडर्ड से यानी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक दे सकते हैं, लेकिन मैं इसमें टेंथ से देता हूँ, अपने टेंथ का सब्जेक्ट डाल देता हूँ और कोर्स टाइप में मैं फुल दे देता हूँ। बोर्ड में मेरा यहाँ यूपी बोर्ड ऑप्शन में तो है नहीं तो मैं अदर कर देता हूँ। पासिंग मैंने कब पास किया वो डाल देता हूँ, डिवीज़न डाल देता हूँ और यहाँ पे परसेंटेज डाल देता हूँ। परसेंटेज में इनको राउंड ऑफ में देना है तो हमको राउंड ऑफ में ही दे देते हैं, ये देख सकते हैं मैंने, एक सेकेंड साइज फॉल्ट ये मेरा हो रहा था, मैंने फर्स्ट डिवीज़न मुझे करना था, ये देखिए ले लिया, ये देखिए इसी तरह टेंथ का डिटेल जो है। दोस्तों जैसे आप टेंथ का डिटेल डालेंगे आपको ये पेज जो है बैक हो जाएगा और यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड यानी कि एक क्वालिफिकेशन पे ही आपको ये जो है पूरा कंप्लीट दिखाने लगे, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ ये। आपको बता दें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर मिल गया जिसके आधार पर आप फॉर्म भर सकते हैं, ये डिटेल्स आप बाद में भी अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप प्रिंट रजिस्ट्रेशन कार्ड, प्रिंट प्रोफाइल कर सकते हैं, लेकिन अभी हम अपडेट प्रोफाइल करके अपनी और जानकारी भरते हैं। अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं।
दोस्तों अपडेट प्रोफाइल करने के बाद हम वापस जो है एजुकेशन टैब पे आ चुके हैं। हम दोबारा यहाँ प्लस करते हैं और यहाँ पे अपनी जो बाकी की जानकारी है वो भरते हैं। जैसे कि हमने इंटर का डिटेल्स भर दिया अपना, इंटर हमने कॉमर्स साइड है तो यहाँ कॉमर्स के हम जो सब्जेक्ट थे वो डाल दिए। आपका फुल टाइम था, बोर्ड का नाम है, अदर स्टेट वालों का बोर्ड उपलब्ध नहीं है, तो सेम वही प्रोसेस हमने अपनाया है। और यहाँ पे हमने इंटर का डिटेल्स भी देख सकते हैं, इस तरीके से भर दिया। जैसे आप डिटेल्स भरेंगे देखेंगे उसी के नीचे जो है अपडेट हो जाएगा। ये देखिए इसी तरह हम ग्रेजुएशन भर देते हैं अपना। ग्रेजुएशन में आपका जो भी हो क्वालिफिकेशन उसको आपको भर देना है। तो ये देखिए दोस्तों हमने अपनी क्वालिफिकेशन में आपका तीनों स्टैंडर्ड मतलब कि जो है नॉर्मल जो है सब डाल दिया। अगर आपका कुछ और हो, मान लीजिए आपके पास जो है डिप्लोमा हो, बीटेक हो, तो आप अपने हिसाब से क्वालिफिकेशन कर सकते हैं और इन डिटेल को आप कभी भी मॉडिफाइड कर सकते हैं। लॉक नहीं होते हैं, आप जो है फॉर्म भरने के बाद भी जो है मॉडिफाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आता है अगला टैब है एक्सपीरियंस है, डिफेंस सर्विस है, आपको लैंग्वेज कौन कौन सी आती है। देखिए लैंग्वेज में भी आपको प्लस करेंगे तो यहाँ पर आपका लैंग्वेज हिंदी, जैसे मुझे हिंदी रीड राइट स्पीक तीनों आती है, मैंने तीनों पर टिक कर दिया। इसी तरह अगर मैं इस पर और लैंग्वेज ऐड करना चाहूँ तो मैं और लैंग्वेज में, मान लीजिए आपको इंग्लिश आती है, इंग्लिश में मैंने कर दिया कि आई नो रीड राइट एंड स्पीक, तो यहाँ मैंने क्लिक कर दिया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने लैंग्वेज डाल दी। इसी तरह आपके पास कोई गवर्नमेंट की स्कीम हो, आपको या रिज्यूम लगाना हो, आपके पास की स्किल्स हो, टाइपिंग हो, लाइसेंस हो, एनीवे कुछ भी आप उसको दे सकते हैं। और आपको सब कुछ देने के बाद आपको यहाँ होम पे क्लिक करना है। जैसे आप दोस्तों होम पे क्लिक करेंगे यहाँ से आप अपना प्रिंट रजिस्ट्रेशन कार्ड, प्रिंट प्रोफाइल और अपडेट प्रोफाइल कभी भी कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।